दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसकी वजह छठ पर्व है, जिसके लिए बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है, क्योंकि बिहार के लिए ज्यादातर ट्रेन आनंद विहार स्टेशन से ही खुलती है। इसके लिए रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए खास व्यवस्था की गई है। सुविधा के लिए ये वेटिंग रूम एक मान लीजिए आप इंतजार करने के लिए, जैसे स्पेशल ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट होगा तो पहले यात्री यहाँ आराम से अपना वेट कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी कब चलेगी। इसके लिए यहाँ पंखे लगे हुए हैं, सेट लगा हुआ है, उसके बाद ही जब अनाउंसमेंट होगा उसी हिसाब से यात्री अंदर जाएं और अपना उसी हिसाब से बैठे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आनंद विहार रेल टर्मिनल पर छठ पूजा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आनंद विहार रेल टर्मिनल से रोजाना 6 छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्टेशन परिसर में पंडाल बनाकर वेटिंग हॉल बनाया गया है, जिसमें कारपेट बिछाने के साथ ही पंखों की भी व्यवस्था है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के अलावा मोबाइल शौचालय और पानी की भी व्यवस्था की गई है। जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है इसके लिए कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल ट्रेनें हैं, इसमें जनरल का टिकट लीजिए और आप जो है आराम से यात्रा कर सकते हैं। बस शर्त है कि उसकी सूचना जो है हम अनाउंसमेंट के थ्रू देंगे, उसके हिसाब से यात्री उसमें बैठे। RPF और रेलवे की तरफ से सुविधा जरूर की गई है, लेकिन यात्रियों को टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला है और वो जनरल डिब्बे से जाने की तैयारी करते दिखे। बिहार जा रहे हैं छठ पूजा, नहीं टिकट तो नहीं मिल रही है। क्या समस्या हो रही है? रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जनरल में जाना पड़ रहा है, बहुत भीड़ है। अभी तो 5 घंटा हो गया होगा, अब इंतजार कर रहे हैं। क्या करें? टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी? किसी से बात की आपने? टिकट से बात हुई, नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, वेटिंग में भी चल रहा है, नहीं मिलेगी टिकट। आए थे ऐसे घूमने के लिए, जा रहे हैं घर, लेकिन गाड़ी नहीं है। देखते ना भीड़ कितना है, कैसे जाएंगे? जनरल से जाना होगा। टिकट कहाँ, अभी तो गाड़ी देख रहे हैं जितना ठसम ठस जा रहा है कि गाड़ी कैसे जाएंगे, किस गाड़ी पर जाएंगे, पैर रखने का जगह नहीं होगा। यात्रियों की भीड़ की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए CRPF की विशेष टुकड़ी को तैनात किया गया है। CRPF के जवान स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, CCTV से नजर भी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज़ नवदीप टुडे पर हर रोज़।